नमस्ते। गोल्डमैन परिवार का हार्दिक धन्यवाद जिसने विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया। यह सम्मान मैं भारत के ग्यारह ग्राम के ग्रामीणों, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जनचेतना के मेरे साथी और मेरे परिवार को समर्पित करता हूँ। कोयला खदानों और पावर प्लांट संचालित करने के लिए जिंदल एवं अन्य ने पर्यावरण एवं ग्रामीणों की आजीविका की चिंता किए बगैर प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन का अंधाधुंध दोहन किया। अपने विरोधियों के दमन के लिए इनका एक ही सिद्धांत है, खरीद लो, फंसा दो, हटा दो, जिसका जीवित प्रमाण आपके सामने है। हमने पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से जनचेतना के नाम से आंदोलन की शुरुआत कर लोगों में जागरूकता फैलाई। ग्रामीणों को मौलिक अधिकारों, आदिवासियों के सुरक्षा के कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम से अवगत करवाना शुरू किया, साथ ही संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। हमने गारे में जिंदल की खदान बंद करवाकर जीत हासिल की, लेकिन एक खदान के बंद हो जाने से खतरा खत्म नहीं हो गया। अनेक खदानें चालू हैं और विश्व के सबसे गंदे ईंधन कोयले की कई नई खदानें खुलने की प्रक्रिया में है। समस्या बहुत विकराल है और चुनौती बड़ी है। यह लड़ाई सिर्फ कोयले के विरुद्ध नहीं, लेकिन सुशासन, नैतिकता, मनुष्य और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए है। अपने सीमित संसाधनों से पर्यावरण के प्रति जन जागरण का हमारा अभियान मरते दम तक जारी रहेगा। हम एक ऐसे अंधे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रदूषण देशों की सीमा नहीं जानता। एक देश में बढ़ रहे प्रदूषण से विश्व के दूसरे अनेकों देश प्रभावित हुए हैं और होंगे। आइए हम संकल्प करें कि अपने निजी हितों को त्याग कर सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।